बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं कैरी का अबशोला बना रही हूँ। देखिए इसको अच्छा धो ले रही हूँ। देखिए ये जब झाड़पों से तोड़ते ना तो पूरा जिगी जिगी रहती, तो इसको अच्छा साफ धो लेना। देखिए दो पानी से धो के मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। कैरी डूबे से उतना पानी डाली। देखिए चूल्हा सिलगा के चूल्हे पे चढ़ा के मैं एक सीटी होने देती हूँ। देखिए एक सीटी हो गई। देखिए मैं निकाल दे रही हूँ ऊपर से सीटी निकाल के, उसको ठंडा करने के बाद सन रख रही हूँ देखिए फ़ैन के नीचे। तो इसको ठंडा हो गए बाद ये पूरा छिलटा निकाल लेना। देखिए इसका पूरा ऐसा तो पूरा गल गए। देखिए एक ही सीटी में गल गए, इसको ज़्यादा अपने को सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं इसको पूरा इसका छिलटा निकाल लेती हूँ और गुठलियों भी साइड में से निकाल लेती हूँ। देखिए पूरा ऐसा चमचे से अगर गर्म भी है ना तो निकाल लेना। मैं ठंडा फ्रिज में का पानी डाल के इसको पूरे छिलटे को साफ कर निकाल ले रही हूँ। देखिए उसके अंदर जितना भी है ना, तो इसको ज़ोर से नहीं करना अपन, अच्छा उसको दबा के नहीं निकालना, नहीं तो कड़वाटपना आता उसमें, कसाला आता, कसाला होता नहीं तो। तो पूरा अलग 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 निकाल लेना। देखिए ऐसा पूरा, तो मैं इसको बाजू में गुठलियाँ भी और बोले तो ये साइड से पूरा अपना छिलटा रहता ना, तो उसको पूरा निकाल ले के इसको अच्छा थोड़ा थोड़ा अगर गर्म रहा तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाल के निकाल लेना। देखिए तो अच्छा रहता पूरा, छिलटा जर्रा भी नहीं छोड़ना। देखिए उसमें अगर मिक्सर में अगर अपन लोग छिलटा जर्रा भी रखे ना तो कसाला हो जाता अपने को। तो मैं ये पूरा निकाल ली। देखिए तो जार में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ। देखिए ज़्यादा पीसे तो अपने को पूरा उछलता, थोड़ा पीसना तो बहुत अच्छा होता, एक ही बार को पीसे जाता। देखिए पूरा तो मैं पीस ली उसके अंदर, तो इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा शक्कर और बोले तो थोड़ा नमक डाल रही हूँ। देखिए चार कैरियों को मैं 1/4 किलो शक्कर डाली। देखिए 1/4 किलो शक्कर 1/4 चमचा नमक डाली उसके अंदर। तो पीस ली देखिए पूरा, मैं पीस के इसके भगोने के अंदर डाली, अपने हिसाब से पानी डाल लेना। देखिए चार कैरियों को कितना लगता, और ज़्यादा पतला होना रहा तो अपन पानी इजाफा डालना, अगर गाढ़ा होना रहे तो कम डाल लेना। देखिए तो मैं अपने हिसाब से डाली। देखिए तो बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी रहता। देखिए ये अबशोला। लाइक और शेयर करिए पराना कुकिंग को।